हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ दो बेहतरीन डेजर्ट्स जिनको बनाना बहुत ही आसान है और जो इनका स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके यहाँ कोई भी गेट टुगेदर होता है या पार्टी होती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपने मेहमानों को खिलाइए। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और हो सके तो शेयर करिए ताकि मेरी जो रेसिपी है और लोगों तक भी पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्रीम हाफ कप। यहाँ पर मैंने मिल्की मिस्ट क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम इस क्रीम को फेटेंगे। फेटने के लिए मैं यहाँ पर मशीन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप हाथ से भी इसको फेट सकते हैं, लेकिन हाथ से फेटने में इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो हो सके तो आप हैंड ब्लेंडर और व्हिपिंग मशीन का यूज़ करिए। तो क्रीम को फेटने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं क्रीमी योगर्ट। तो देखिए, 2 से 3 मिनट में जो हमारी क्रीम थी वो फिट चुकी है और इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है, तो इतना गाढ़ा इसको हमें करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप हंकर्ड। हंकर्ड के लिए आप दही को एक कपड़े में बांध कर लटका दीजिए तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और आपकी हंकर्ड तैयार हो जाएगी। इसको डालकर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से चम्मच से और एक बार फिर से हमें इसको फेटना है ताकि जो हमारी कर्ड है वो क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आपको कुछ ही देर के लिए इसको फेटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेटना है। तो मैंने यहाँ पर केवल 10 से 20 सेकंड के लिए इसको फेटा है। आप देखिए तो हमारा जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बढ़िया क्रीमी योगर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत आ जाए अच्छे से। तो हमारी देखिए क्रीमी योगर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे फ्रूट कॉकटेल। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है कप और उसमें डाला है 2 टेबल स्पून रोज़ा। तो रोज़ा को हमें इस तरह से डालना है ताकि ग्लास में अच्छे से स्प्रेड हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि इससे देखने में भी अच्छा लगता है और इसका जो रोज़े का टेस्ट है वो पूरी ग्लास में फैलाने से अच्छे से आ जाएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी बारीक कटे हुए आम। यहाँ पर आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, मुझे आम मिल गया था तो मैंने यहाँ पर आम ले लिया है और इसमें उसके बाद डाला है 2 टेबल स्पून कटे हुए आम, अनार के कुछ दाने। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार जो भी आपको पसंद है फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून क्रीमी योगर्ट जो कि हमने बनाई थी। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून हनी क्योंकि हमने क्रीम में कोई भी शुगर ऐड नहीं की थी और हनी डालने से इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर डालेंगे फ्रूट्स। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ संतरा, उसके बाद थोड़ा सा रोज़ा, फिर से हम डालेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए एप्पल। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इस तरह से लेयर सेट करनी है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसे भी आपको या अपने गार्निशिंग के अनुसार इसको लेयर बना सकते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं आम के बारीक कटे हुए पीसेस और अब फिर से हम डालेंगे 3 टेबल स्पून क्रीमी योगर्ट। तो अगर आपको योगर्ट यहाँ पर ज़्यादा डालनी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और थोड़ा सा फिर से डाल देंगे शहद ताकि जो इसका स्वीटनेस है वो बैलेंस रहे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। थोड़ा सा हम ऊपर से फिर से हम डालेंगे रोज़ा और अब लास्ट में रोज़ा डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से लिए हैं बादाम के टुकड़े, थोड़े से काजू के टुकड़े और थोड़ा सा इसमें पिस्ता हम ऐड कर रहे हैं और फिर से ऊपर से गार्निशिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे रोज़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, मिनटों में आपका जो फ्रूट कॉकटेल है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और खाने में तो आप जब बनाएंगे और उसको खाएंगे तब आप बताएंगे। तो देखिए हमारा फ्रूट कॉकटेल बनकर तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेजर्ट की तरफ, जिसका नाम है फ्रूट सैलेड विदाउट कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैं बिना कोई कस्टर्ड पाउडर यूज़ करे हुए हम ये फ्रूट सैलेड बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड टोस्ट। के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 पके हुए बनाना और उसमें हम ऐड कर देंगे चिल्ड मिल्क। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एकदम ठंडा मिल्क लेना है और उसको हम कर लेंगे ब्लेंड। तो इस तरह से हम इसको पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे एक बर्तन और उसमें इस पेस्ट को हम डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह का जो हमारा पेस्ट है बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शहद, या आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने देखा मैं कोई शुगर इसमें यूज़ नहीं किया, इसको हम एकदम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। और अब हम फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सैफ्रन मिल्क डाला है, इसको मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर लिया था। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एकदम हेल्दी कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है बिना किसी कस्टर्ड पाउडर के। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों ही जो डिज़र्ट्स हैं वो कुछ ही मिनटों में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और एकदम डिफरेंट भी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। तो फ्रेंड्स इन्जॉय दिस बोथ रेसिपी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।